दोस्तों स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक यानी बिहार बोर्ड का साइंस का जो इंटरनेट का क्वेश्चन है यानी इंटरनेट द्वारा डाउनलोडेड क्वेश्चन है उस सब को देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको मिस करिएगा तो मे भी आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए आपका जो भी है ये घंटे मतलब लगभग 30 या 25-6 मिनट का वीडियो होगा, आप पूरा देखिएगा बिना स्किप किए कि देखिएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न छूटा तो आपका साइंस का जो क्वेश्चन है मॉडल सेट वन का फिर परेशान हो जाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके सोचने से अच्छा है कि आप कुछ करिए, इसको कम से कम 30 मिनट्स निकाल करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपका जो भी नोटिफिकेशन मेरे तरफ से जाएगा आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर इससे पहले और सब सेट मॉडल मैट्रिक का नहीं देखे हैं, जैसे सोशल साइंस का नहीं देखे हैं, तो भी जा करके प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है गोलीय दर्पण, कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ सीमा का व्यास कहलाता है, यानी गोलीय दर्पण का जो पृष्ठ का व्यास कहलाता है, सीमा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वह सी वक्रता त्रिज्या कहलाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मतलब दिन भर के एनर्जी समझिए, जस्ट लाइक योर लाइक इज द आवर लाइफ। ओके, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये हो जाता है उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट मूव करके चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा तो आप भी परेशान होइएगा, इसीलिए वीडियो को बहुत तेज़ी से लेते हैं हम लोग। किस वर्ण यानी रंग का तरंग धैर्य सबसे बड़ा होता है, यानी किसका तरंग धैर्य सबसे बड़ा होता है, तो लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा होता है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका रेटिना पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्यात में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, इसमें कह रहा है दूरदृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकते हैं, यानी दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति साफ साफ देख सकते हैं दूर की वस्तु को, क्योंकि यहाँ होता है जो दिखाई देता है वही दोष रहता है, तो दूरदृष्टि यानी दूर की वस्तु को साफ साफ देख रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, निकट दृष्टि वाली प्रॉब्लम है, यानी दूर दृष्टि दोष वाला अगर होगा तो उसको निकट की दिखाई नहीं देगा, केवल दूर का ही दिखाई देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर दो, एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण की आपतित होती है प्रतीत किरणपुंज कहलाती है, यानी आपतित होती है तो प्रतीत किरणपुंज होगा, क्या होगा, तो ये 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या समानांतर होगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है यदि एक प्रिज्म एक वर्णी किरणपुंज है तो इसका क्या है होगा, यानी इसका क्या हो नहीं होगा, एक वर्णी किरणपुंज है तो इसका क्या नहीं होगा, तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा, इसका वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होता है, यानी कांच के उत्तल लेंस में शक्ति क्या होता है, तो 9 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा, धनात्मक आंसर आया जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, जल की एक गोलीय बिंदु में व्यास के अनुदिश आपतित किरण कितनी बार अपवर्तित होती है, 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यह 2 बार अपवर्तित होती है। अगला है स्विच लगाए जाते हैं, यानी स्विच कहाँ लगाए जाते हैं, तो 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये गर्म तार में लगाए जाते हैं, यानी गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं ताकि उसको जैसे प्रेस किया जाएगा लाइट कट जाएगा। जूल प्रतिकूलम होता है, यानी जूल प्रतिकूलम क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका
जूल प्रतिकूलम ओम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 12 नंबर का। अगला प्रश्न है 13 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है विद्युत घंटी विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करती है। 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला है डायनेमो बदलता है, यानी डायनेमो क्या करता है, तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है अपवर्तनांक, कह रहा है अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, यानी अपवर्तनांक जो होता है रंग पर निर्भर करता है तो उसको क्या कहते हैं, ये कहलाता है अपवर्तन। अगला है एक मोटर कार में पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, हमेशा वह छोटा बनेगा और वस्तु से छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाता है, तो विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 19 नंबर कह रहा है एक अवतल दर्पण के विद्युत और फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंदु के लिए आवर्धक होता है, तो ये होता है आपका 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है जीवाश्म ईंधन के जलने से किनकी ऑक्साइड उत्पन्न होती है, यानी जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो किनकी ऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी इन सभी का ऑक्साइड उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, वैद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ऑप्शन नंबर सी ओम प्रति मीटर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर ऐसा ही मात्रक होता है, 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेबर हो जाता है। अगला है समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है, यानी समांग माध्यम से प्रकाश किधर गमन करता है, तो ये करता है सरल रेखा में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि एक प्रिज्म में एक वर्णी किरण पुंज गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो 24 नंबर का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ये वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋण आवेश होता है, तो ये होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। अगला क्वेश्चन है हमारा एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या होगा, यानी नीले को जब लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है, वह 7 से अधिक होगा या फिर इसमें दिया है 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वह जब लाल कर देता है तो क्या होगा, वह क्षारीय होगा यानी 10 हो सकता है। चलिए पीएच मान हो सकता है लाल लिटमस को, यहाँ नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये आपका ये भी आंसर सही हो सकता है। चलिए लेकिन आपका 10 पर टिक लगाइए, आप दोनों सही हो जाएगा। लोहे का परमाणु संख्या होती है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 26 परमाणु संख्या इसकी होती है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा 6 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब जाएगा। एल्युमिनियम पर मोटा ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये हो जाता है 29 नंबर का एनोडीकरण कहलाता है, यानी 29 नंबर का सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न कौन सा यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील यौगिक कौन है, तो ये हो जाएगा C2H4। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी विरंजक चूर्ण कौन कहलाता है, तो 31 नंबर का सही जवाब हो जाएगा CaOCl2। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक, यानी अभिक्रिया करता है इसीलिए अभिकारक कहलाता है। अगला है टूथपेस्ट होता है, यानी टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय होता है क्षारीय होता है, तो ये हो जाता है क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोसिलिक समूह है, यानी कार्बोसिलिक समूह कौन सा है, 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगल बॉन्ड COH, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के साथ COOH। निम्नलिखित में से कौन कारक कारण अम्लीय वर्षा से होता है, अम्लीय वर्षा का होने का कारण है ये सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी 35 का सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो निकेल की परमाणु संख्या हो जाती है 29। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ करें, एक जांच प्रणाली में विलियम के एक लोहे के कील को डुबाया गया। आधे घंटा बाद यह देखा जाता है कि विलियम का रंग परिवर्तित हो जाता है। उस जांच प्रणाली का विलियम क्या था? 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एथेनॉल में सांद H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में से कौन सा गैस बनता है? 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaH6। अगला है क्वेश्चन, हीरा निम्नांकित में से किस तत्व का अपरूप होता है? तो ये कार्बन का अपरूप होता है, यानी ये 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? 1 ग्राम सोने से लगभग हम लोग कितना तार खींच सकते हैं? तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा 2 किलोमीटर। ये क्वेश्चन जब हम एग्जाम दे रहे थे मैट्रिक है उस समय ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, फिर भी आ सकता है। निम्नांकित यौगिकों में से कौन सा जल के विलयन है? यानी 41 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्लूकोज हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अमलगम है? अमलगम कौन है? 42 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सोडियम और HG, ये जो है अमलगम बनाता है। अगला है, एथिलीन का यूपीएक नेम क्या होता है? आप लोग इसका यूपीएक नेम बता दीजिए, ये हो जाएगा आपका एथीन होता है। एथिलीन का यूपीएक नेम एथीन होता है। ब्यूटेनॉन में अणु C4H8O इनका क्रियाशील समूह कौन सा होता है? 44 नंबर का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटोनिन। ऑप्शन नंबर बी कीटोनिन हो जाएगा। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितना सहसंयोजन बंध बनता है? तो 45 नंबर का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 हो जाएगा। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? यानी सिनेबार किस धातु का अयस्क है? 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HG। सल्फाइड अयस्क की सांद्रता निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? 47 नंबर का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेन उत्प्लावन विधि। यानी जल के विद्युत भट्टे में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? 48 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्वी गुण वाला होता है? 49 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। नीला थोथा यानी तृतीया जिसको कहते हैं, रासायनिक सूत्र क्या होता है? 50 नंबर का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CuSO4 × 5H2O इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, 51 नंबर प्रश्न, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा कौन सा है? यानी प्रदूषण युक्त मुक्त ऊर्जा कौन सा है? तो ये हो जाता है इनमें से सभी, यानी सौर ऊर्जा भी प्रदूषण नहीं करता, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा भी पवन ऊर्जा मुक्त नहीं करते, प्रदूषण ये नहीं करता है। बी नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। निम्नांकित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3-3 आबंध होता है? यानी 52 नंबर का सही हो जाएगा C3H4। निम्नांकित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उच्च वसीय अम्ल में सोडियम लवण कहलाते हैं, उच्च वसीय अम्ल में सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो साबुन कहलाते हैं, सही जवाब आ जाएगा। एक क्षार में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2N2। साइटोन का आकार होता है कैसा होता है? तो ये होता है गोलाकार होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा इसमें पादप हार्मोन नहीं है? तो ये ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो मवेशियों में देने से वह दूध की मात्रा में बढ़ोतरी करते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो ये हो जाएगा यकृत से यूरिया रक्त में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक हो सकता है? 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक। अगला है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, ये हो जाता है जाइगोट बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, यानी पादप अपशिष्ट जो होते हैं कैसे संचित रहते हैं, तो इनमें से सभी यानी पत्तियों से या कोशिका रिक्तिकाओं से या छालों से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सामान्य अनुशीथलित रक्त दाब होता है 120/80, यानी बी नंबर 62 का सही जवाब हो जाएगा इसमें। 80/80 यानी अनुशीथलित, अनुशीथलित मतलब ये हो जाएगा ये, यानी जब मतलब इधर से रेट जाता है तो 120 रहता है और उसके बाद से रिटर्न होता है तो 80 होता है, यानी अनुशीथलित कह रहा है उसके रिटर्निंग का कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी MM। अगला है मनुष्य बिल्ली और चमगादड़ में अपवाद है, यानी क्या अपवाद है, क्या अपवाद है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ये समझात अंग के होते हैं। अगला प्रश्न है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, पादप में जो फ्लोएम होते हैं किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये भोजन समांग के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, यानी जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें कितने दांत होते हैं, तो 32। एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन क्या होता है, तो यह एक नरलिंगी हार्मोन होता है, नरलिंग हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है न्यूरॉन वह हिस्सा है जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, किसकी जानकारी हासिल की जाती है, तो ये की जाती है डेंड्राइट की। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेगर मेंडल। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में निर्भर करती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में निर्भर करती है इनमें से सभी, यानी सूर्य की रोशनी, जल और क्लोरोफिल, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 70 नंबर प्रश्न, 70 नंबर प्रश्न कह रहा है गुर्दे में उत्पादित मूल मूत्र मूत्राशय में होता है, यानी गुर्दे के में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में होता है। 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ई और बी, यानी मूत्राशय और मूत्रवाहिनी दोनों होता है। अगला प्रश्न रक्त होता है, रक्त क्या होता है, तो ये एक ऊतक होता है, तो कैसा अनियोज्य, ये संयोजी ऊतक होता है, टिश्यू कनेक्टिंग टिश्यू होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, फूलों का जो नर प्रजनन अंग होता है वो क्या होता है, पुंकेसर होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीच इस किसकी लेखक है, तो ये हमारे चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव आहार नाल में सबसे बड़ा लंबा क्या होता है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है 74 नंबर का छोटी आंत, छोटी आंत होता है लगभग 5 से 6 मीटर की लंबाई होती है, बड़ी आंत 1 से 1.5 मीटर होता है। न्यून में से कौन सा मादा जनन अंग का भाग नहीं है, यानी मादा जनन अंग का शुक्रवाहिका नहीं है, क्योंकि ये उसका। इसके बाद 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, 75 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यानी कौन सा ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो मक्खी जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य में स्वस्थ श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है, तो श्वेत रक्त जो होती है उसका जीवन अवधि होता है मात्र 12 से 20 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी 77 का सही जवाब हो जाएगा। ऐसे तो जनरली कहीं देता है आपको 4 से 6 दिन, ठीक है, और जो व्हाइट रेड ब्लड जो होता है उसका 120 डेज होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8, प्रश्न संख्या प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, तो रॉबर्ट हुक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधे और पशुओं के कोशिकाओं में वैज्ञानिक का अध्ययन कहलाता है, यानी पौधे और पशु के वैज्ञानिक को क्या कहते हैं, तो ये 79 के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 80 है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, यानी पौधे भोजन को किस रूप में जमा करते हैं, तो ये ग्लूकोज के रूप में जमा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग ये जो है भौतिकी शास्त्र का जो प्रश्न है, लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला। अगला प्रश्न जो भी है दीर्घ उत्तरीय है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले देख लीजिए। ये सब जो है इंटरनेट मॉडल पेपर है, इंटरनेट का मॉडल पेपर है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद से आप लोग का तैयारी जो होगा बेहतरीन होते चला जाएगा। देख लीजिए आप लोग। इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय अगर प्रश्न करवाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को, आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो हम लाते हैं। तब तक अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।